Clash of Clans. Play now. हेलो क्लशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। सो क्लशर्स, वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उसके पहले मैं आप लोग से छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग का टाउन हॉल लेवल क्या है। आप लोग सभी लोग मुझे टाउन हॉल लेवल कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं सबसे ज्यादा कौन से टाउन हॉल के क्लशर्स हैं यहाँ पे। सो क्लशर्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम लोग का टाउन हॉल 9 रश अकाउंट है। अगर इस रश अकाउंट को आप लोग ऐसा कुछ मैक्स अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गाइस आप लोगों को कितना डेज लगेगा? चलो मान के चलते हैं हम लोग 30 डेज में मिनिमम शायद या मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकें। तो गाइस, अगर आज के इस वीडियो को मैं जो भी टिप्स और ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इन सारे टिप्स और ट्रिक को आप लोग अगर इस्तेमाल करोगे तो अगर आप लोग इस बसेस को ऐसे मैक्स 30 डेज में कन्वर्ट कर पाते हो तो आप लोग को मैक्सिमम 15 से 20 डेज ही लगेगा ऐसे रश टू मैक्स अकाउंट में कन्वर्ट करने में। तो क्या है ऐसे टिप्स और ट्रिक, क्या है वो चीज़ें जिससे आप लोग अपने बेसिस के अपग्रेडेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो, जल्दी मैक्स आउट हो सकते हो? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी इन डेप्थ चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। और अगर चैनल पर न्यू हो क्लैशर्स, वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार। आपके इन्हीं प्यारे से सपोर्ट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और डेली हम लोग इसी तरह के प्यारे और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लेके आते हैं। सुप्रेसर, सबसे पहले टिप्स और ट्रिक में आता है कि आप लोग को जितने भी ऑफेंसिव बिल्डिंग है गाइस, उन सभी को तो सबसे पहले अपग्रेड करना है। तो जितना लेवल का आपका टाउन हॉल है उतने लेवल तक आप लोग सबसे पहले ऑफेंसिव बिल्डिंग को अपग्रेड कर लीजिए। अब ऑफेंसिव बिल्डिंग में क्या आता है वो चीज़ मैं आप लोग को बता देता चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग का जितने बैरक्स है, डार्क बैरक हो जाए या फिर बैरक हो जाए, या उसके बाद आप लोग का स्पेल फैक्ट्री हो जाए या डार्क स्पेल फैक्ट्री, उसके बाद आप लोग का आता है क्लैन कैस्टिल। क्लैन कैस्टिल को भी आप लोग को अपने टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में 100% सबसे पहले मैक्स आउट करना है। उसके बाद आपका आता है स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद आप लोग का आता है आर्मी कैंप। इसके साथ साथ आप लोग को लैबोरेटरी को भी टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में अपग्रेड करके रखना है। ओके, तो जैसे ही आप लोग का ये सारे ऑफेंसिव बिल्डिंग अपग्रेड हो जाएंगे तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी बता रहा हूँ, टाउन हॉल अगर आपका अपग्रेडेड है तो आप लोग इन सभी को अपने टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में सबसे पहले मैक्स आउट करना। ओके क्लैशर्स, अगर आप लोग यहाँ पे पूछते हो कि इसमें फायदा क्या होगा ऑफेंसिव बिल्डिंग को अपग्रेड करने में, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, लैबोरेटरी अगर आप लोग अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे जितने भी आप लोग के जो ट्रुप्स होंगे टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में, अगर आप लोग एक पोशन यूज करते हो पावर तो सभी मैक्स आउट हो जाएंगे। आप लोग को वॉर में काफी फायदा होगा, और उसी के साथ साथ किसी एक पार्टिकुलर अटैक स्ट्रेटजी के लिए आप कोई ट्रुप्स को मैक्स आउट करते हो तो उस अटैक स्ट्रेटजी से आप लोग अपने टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में मैक्स आर्मी को यूज करोगे। ठीक है, वो चीज मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अब जैसे आप लोग आर्मी कैंप को ही अपग्रेड करते हो तो 5-5 स्पेस बढ़ते जाता है। आप लोग के पास ज़्यादा आर्मी होगा तो विनिंग की चांसेस इंक्रीज करेंगी। स्पेल फैक्ट्री में अगर आप लोग अपग्रेड करते हो न्यू स्पेल अनलॉक होगा और आपको एक न्यू मोड मिलेगा गेम खेलने का। तो ऐसे चीज़ें के कारण आप लोग को सबसे पहले इन सभी बिल्डिंग्स को ना, जो मैं अभी बताया हूँ, उनको सबसे पहले मैक्स आउट करना है। सो क्लैशर्स, यहाँ पे सेकंड टिप्स और ट्रिक में आप लोगों को मैं बता दूं कि लैब की अपग्रेडेशन। अब यहाँ पे आता है आप लोग का लैब की अपग्रेडेशन। तो लैब का अपग्रेडेशन आप लोगों को इस प्रकार कुछ करना है, जैसे आप लोग अभी मान के चलो कि आपके सारे के सारे लैब्स के ट्रुप्स और स्पेल अभी रश है, मैक्स करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबसे पहले किसको करेंगे आप? मैं आप लोग को कुछ 2-3 स्पेल और 2-3 ट्रुप्स आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। इन सारे ट्रुप्स को आप लोग सबसे पहले मैक्स आउट करना एट एनी हाउस। सबसे पहला आप लोग का आता है लून अटैक स्ट्रेटजी, दूसरा आता है सबसे पहले आप लोग स्पेल को मैक्स आउट करना है। स्पेल में आप लोग का रेज होगा और हीलिंग स्पेल होगा, और कोई स्पेल को मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। सबसे पहले आप लोग रेज और हीलिंग स्पेल को करना, और उसके बाद आप लोग लून को करना, ड्रैगन को करना, अगर हाईएस्ट टाउन हो तो इलेक्ट्रो ड्रैगन को करना, और उसके बाद अगर कुछ हो तो आप लोग बेबी ड्रैगन को करना। ये चार ट्रुप मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड किया हूँ कि आप लोग इन चार ट्रुप को सबसे पहले अपग्रेड करो अगर आप लोग मैक्स हो तो। अब मैं ऐसा क्यों कहा हूँ क्लैशर्स, जो भी ट्रुप्स मैं आप लोग को यहाँ पे रिकमेंड किया हूँ वो सारे एलिक्सिर के ट्रुप्स हैं, और वो भी ऐसे ट्रुप्स हैं जो आपके वॉर अटैक्स और फार्मिंग अटैक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले लून आपका सबसे ज़्यादा लेगा, 6 अपग्रेड तक जाएगा अगर टाउन हॉल 9 हो तो। उसके बाद ड्रैगन का ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं है, बाकी कंपेरिजन करिए दूसरे ट्रुप से तो 4 ही लेवल तक अपग्रेड होगा, और अगर हाईएस्ट जाओगे तो हाईएस्ट थोड़ा और भी लेवल बढ़ेंगे। बेबी ड्रैगन तो 2 ही लेवल तक अपग्रेड होगा, तो आप लोग इसे बहुत जल्दी कर सकते हो।
एंड क्लैशर्स, अब आप लोग कहोगे इसका फायदा क्या है, क्यों यही सर ट्रुप्स को क्यों करना है? तो सबसे पहले अगर आप लोग हाईएस्ट टाउन हो रहे हो तो इलेक्ट्रो ड्रैगन और लून के अटैक सर जी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, वॉर में यूज कर सकते हो, फार्मिंग पोशन सब में यूज कर सकते हो, डार्क फार्मिंग में खास तौर पे यूज कर सकते हो। ड्रैगन की भी आर्मी ड्रैगन लून का बेस्ट होता है और फार्मिंग के तौर पे आप लोग का बेबी ड्रैगन का आता है। पुशिंग टाउन हॉल लाइन से आप लोग लीजेंड तक पुश कर सकते हो ऑनली अपने बेबी ड्रैगन के अटैक स्ट्रेटजी से। तो मैं पुश भी किया हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग देख सकते हो पीछे वाली वीडियोस को जाकर के, आप लोग को वहां पे मिल जाएगा कैसे मैंने बेबी ड्रैगन से टाउन हॉल लाइन से लीजेंड पुश किया था। अभी भी हम लोग टाइटन 3 में ही, आप लोग देख सकते हो, तो ज्यादा भी नीचे नहीं गए हैं। तो आप लोग को मैं इन साइड चीजों को इसलिए बोल रहा हूँ ग्रेट करने के लिए ताकि ये सब बहुत कम लेवल में ही आप लोग को बहुत ज्यादा आउटकम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग पहले वॉर के लिए तैयार हो जाओगे, इस सभी चीज को आप लोग अपग्रेड करोगे, तो उसके बाद आप लोग धीरे धीरे सारी चीजों को अपग्रेड करते रहना अपने हिसाब से। तो गाइज यहाँ पे उसके बाद ना आपको मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो भी अटैक स्ट्रेटजी को यूज करते हो ना, जैसे आप लोग गो वाईपी करते हो तो आप लोग गोलम पेक्का और फिर विजार्ड को अपग्रेड करना इन ट्रुप्स के बाद, ताकि आप लोग का जो अटैकिंग स्ट्रेटजी है जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की हो वो आपका बेस्ट बन सके। और बेस्ट तभी बनेगा जब आपके ट्रुप्स मैक्स होंगे, आप लोग मैक्सिमम आउटकम उस अटैक स्ट्रेटजी से निकाल पाओगे, तो आप लोग का 3-स्टार आने का चांसेस भी इंक्रीज करेगा। फिलहाल जो मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे डेफिनेटली फॉलो करना और 100% रिजल्ट मिलेगा, वो आपके भाई का भरोसा है। ओके क्लैशर्स, तो क्लैशर्स यहाँ पे चलते हैं हम लोग अब थर्ड टिप्स और ट्रिक की ओर। क्लैशर्स यहाँ पे थर्ड टिप्स एंड ट्रिक में लोग यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं यार अपने वॉल्स को मैक्स आउट करना है, हीरोज़ को मैक्स आउट करना है, ये सभी इतनी जल्दी हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो यार हाँ, मैं ये मानता हूँ वॉल्स को अपग्रेड करना, हीरोज़ को अपग्रेड करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पे अगर आप लोग एक साथ इसे कंबाइंड करके चलते हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं आप लोग को सबसे पहले कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रश अकाउंट है आप लोग का, तो आप लोग सभी वॉल्स को मत करो क्लैशर्स। ये मैं अपने एक और वीडियो में आप लोग को बता रखा है कि वॉल्स को अपग्रेड आप लोगों को सभी के सभी नहीं करने हैं। पहले आप लोग मिनिमम मान के चलो अगर मेरे पास 300 वॉल्स है या 200 वॉल्स है तो उसका 30-40% ही हम लोग सबसे पहले मैक्स आउट, वो भी 100% अपने टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में मैक्स आउट करके रखना। हम लोग का टाउन हॉल 9 है तो वॉल लेवल 10 तक अपग्रेड होता है, तो हम लोग वॉल लेवल 10 तक लगभग यहां पे अगर मान के चलो 200 वॉल है तो हम लोग 40-50 वॉल तक तो लिटरली अपग्रेड करके ही रखेंगे। अब वो सारे जो अपग्रेडेड वॉल हो गए ना गाइस, वो सारे वॉल्स को आप लोगों को यहां पे कॉर्नर में खाली प्लेस करना है। ओके, जितने भी वॉल ब्रेकर्स होते हैं वो आपके हमेशा कॉर्नर में ही जाकर के वॉल्स को तोड़ते हैं, सेंटर में बहुत कम ही चांस होता है तोड़ने का। जैसे मतलब ये वॉल्स को सबसे पहले तोड़ने के वो कोशिश करेंगे ताकि कंपार्टमेंट यहाँ का रिलीज हो जाए, उनके ट्रुप्स 4-5 कंपार्टमेंट में जाकर के आराम से अटैक प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा उनका मतलब कुछ AI सिस्टम होता है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे वॉल्स अपग्रेडेशन में हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मैक्सिमम 30% आपने वॉल्स को सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप लोग फार्मिंग करके मैक्स आउट करने की कोशिश करो 100%, ठीक है, अपने टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में। और वो सभी वॉल्स को ना आप लोग यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में सबको प्लेस कर देना, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं आप लोग के बेसिस में, उन सभी ज्वाइंट और कॉर्नर्स में आप लोग प्लेस कर देना, ठीक है। और प्लेस कुछ इस तरह करना, एक वॉल्स ये कॉर्नर में कर दिए, फिर एक वॉल्स यहाँ पे और एक वॉल्स यहाँ पे, ऐसे करके कुछ करना ताकि अगर 2-3 का असर भी रहे तो ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए क्लैशर्स, तो ये बेटर होगा आप लोग के लिए, बेस्ट रहेगा, ज़्यादा कुछ करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कम में आप लोग मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। ओके, फार्मिंग आप लोगों को कुछ इस तरह करना है क्लैशर्स कि आप लोग मैक्सिमम अगर टाउन हॉल 7 के ऊपर हो तो हमेशा आप लोग ये कोशिश करना कि आप लोगों को एट एनी हाउ हर कंडीशन में हमेशा डार्क का प्रॉफिट लेके चलना है। हर एक अटैक में आप लोग इलिक्जे की आर्मी यूज करो, इलिक्जे अच्छे से फार्म हो जाएगा अगर आप लोग डार्क फार्मिंग कर रहे हो तो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेबोरेटरी में बताया था कि आप लोगों को यहाँ पे अब बेसिकली फार्मिंग के तौर पे अपने बेबी ड्रैगन्स को ओनली लेके जाना है, ओनली एंड ओनली बेबी ड्रैगन क्लैशर्स। फार्मिंग के तौर पे कोई भी 3-स्टार निकालने का एमिंग मत रखना यार, सामने के बेसिस पे जितना भी जिस जगह भी लूट है खाली लूट को ग्रैब करने की कोशिश करना और बैटल एंड करना। ज़्यादा आप लोग को ट्रॉफी हाईएस्ट नहीं लेके जाना है, क्रिस्टल या फिर मास्टर मैक्सिमम है, उससे ऊपर आप लोग लेके नहीं जाना अगर रश अकाउंट है तो ना। बेबी ड्रैगन की आर्मी क्या है, जितने भी आप लोग बेबी ड्रैगन ले सकते हो उतने बेबी ड्रैगन ले लो, 5-6 आप लोग लून ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो फिर बेबी ड्रैगन खाली ओनली परफॉर्म कर सकते हो। बेबी ड्रैगन क्यों कह रहा हूँ, बेबी ड्रैगन ले जाने में आप लोग कोई भी स्पेल का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ना ही रेज स्पेल ले जा सकते हो ना ही हीलिंग स्पेल, जरूरत ही नहीं है यार। ऑटो रेज एबिलिटी होता है यहाँ पे बेबी ड्रैगन में, किनारे किनारे बस छोड़ते रहना थोड़ी डिस्टेंस पे, जैसे मैं अभी यहाँ पे
पे अटैक आप लोग को भी करके दिखा भी रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग को बस बेबी ड्रैगन का अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और आराम से फार्मिंग करना है। बहुत अच्छी अटैक स्ट्रेटजी होती है फार्मिंग के लिए, बहुत ही शानदार। लोग कहते हैं यहाँ पे गिवाच करो यार, रश अकाउंट है आपके पास, उतने ट्रुप्स मैक्स आउट है नहीं तो कहाँ से गिवाच कर पाओगे। यहाँ पे 3 से 4 आप लोगों ट्रुप्स को अपग्रेड करना होता है। तो मस्त आप लोग यहाँ पे बेबी ड्रैगन यूज़ करो, बहुत शानदार फार्मिंग होगा लोअर्स लीग में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कोई स्पेल का भी ज़रूरत नहीं होता है बेबी अटैक स्ट्रेटजी में। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग फार्मिंग की अगर हम लोग बात कर ही लिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ हाईली रिकमेंड जो कि है हम लोग का टिप्स एंड ट्रिक नंबर 5, आप लोग का हीरो का अपग्रेडेशन। अब बस लास्ट हम लोग के बेसिस में बच जाता है अपने हीरोज़। अब हीरोज़ का हम लोग क्या करेंगे यार, हीरोज़ को आप लोग कैसे अपग्रेड करेंगे? तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को फार्मिंग के से रिलेटेड बताया कि आप लोग को हर एक अटैक में कुछ ना कुछ डार्क लिग्जर प्रॉफिट के रूप में लाना ही लाना है। तो आप लोग ऐसे करके डार्क लिग्जर को कलेक्ट करो, जो आर्मी में बताया हूँ फार्मिंग का, उसमें डार्क 0 यूज़ होगा क्रशर्स, ओनली लिग्जर यूज़ होगा। उसमें भी स्पेल नहीं ले जाओगे तो लिग्जर भी बचेगा आप लोग का। तो वैसे आप लोग आराम से डार्क लिग्जर कलेक्ट कर सकते हो। और बी श्योर क्रैशर्स कि आप लोग हमेशा एक अपना बिल्डर अगर टाउन हॉल 8 और 9 में आ चुके हो तो हमेशा एक हीरोज़ पे लगा के ही रखना, यानी एक बिल्डर हमेशा हीरोज़ पे ही लगना चाहिए एट एनी हाउ, ठीक है? तो आप लोग का जल्दी से जल्दी मैक्सिमम यार, अगर आप लोग आज टाउन हॉल 9 में अपग्रेड किए हो तो मैक्सिमम आप लोग का 3 मंथ लगेगा 100% हीरोज़ को मैक्स ऑर्डर होने में, 30K क्वीन और 30K किंग होने में 3 मंथ्स में आप लोग इजिली कर जाओगे, ओके? अगर आप एक बिल्डर्स को हमेशा किसी हीरोज पे लगा के रखते हो तो। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले टिप्स और ट्रिक में प्रोवाइड किया था कि आप लोग को ऑफेंसिव बिल्डिंग को सबसे पहले अपग्रेड करना है, तो बोनस टिप्स और ट्रिक में मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग को अब डिफेंसिव बिल्डिंग पे बाकी 4 के 4 बिल्डर्स को प्रोवाइड करना है। और डिफेंसिव बिल्डिंग किस किस बिल्डिंग पे करना है, सबसे पहले क्रैशर्स जो आप लोग का हेवी डिस्ट्रक्शन में मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बता दूँ विजिट टावर हो गया आप लोग का, मोटर्स हो गया, इन दोनों को सबसे पहले आप लोग को मैक्स आउट करना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग का एक और आ जाता है बॉम्ब टावर, अगर इन तीनों को कर लिए तो उसके बाद आप लोग एडी को करना, एडी के बाद आप लोग यहाँ पे एक्सपोज को सबसे लास्ट में करना है। क्लासेस मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, एक्सपोज बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का वॉर वेटेज देता है। तो जो भी न्यू बिल्डिंग्स आते हैं ना उसको सबसे लास्ट में मैक्स करना, उसके बाद आप लोग आर्चर करो, उसके बाद यहाँ पे मस्त आप लोग यहाँ पे कर सकते हो कैनन, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोज। एडी को पहले कर लेना थोड़ा, ठीक है क्लासेस? और बस ये था गाइज आप लोग का टिप्स और ट्रिक। और अगर आप लोग इस टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये मेरा वादा है आप लोग से, आप लोग अपने बेसिस से कम और लेस टाइम में ही एक मैक्स प्लेयर से रिलेटेड आप लोग ज़्यादा आउटकम ले सकते हो और वॉर में बेटर परफॉर्म भी कर सकते हो। तो इन साइड टिप्स और ट्रिक को फॉलो करो, डेफिनेटली आप एक प्रो क्लैशर्स बनोगे यार, और कम टाइम में अपने बेसिस को भी मैक्स जल्दी कर पाओगे। सो आई होप सो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड क्रशर्स आई थिंक हम लोग कुछ भूल रहे थे, यस क्रशर्स, हम लोग को आज अपने विनर्स को पिक आउट करना था जो कि गोल्ड पास का गिवे हम लोग किए थे उसका। तो कल ही हम लोग गिवे किए थे, आज चलिए हम लोग विनर्स को पिक आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं रैंडम कमेंट पिकर में। तो यहाँ पे हम लोग इस यूट्यूब वीडियो का URL को पेस्ट करते हैं, आप लोग चाहो तो मिला लेना, ओके क्लैशर्स? एंड इस जगह क्लैशर्स हम लोग फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र पे क्लिक किए हैं, जो कि एक बंदा 2 बार कमेंट किया होगा तो उसका दूसरा कमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गेट यूट्यूब कमेंट्स पे क्लिक आउट करते हैं और देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगे, कमेंट थोड़ा आने में टाइम लगता है। 500 अभी तक कमेंट्स आए हैं। सो क्रैशर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,853 यूनिक कमेंट पाए गए हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और यहाँ पे लगभग 4,853 क्रैशर्स ने पार्टिसिपेट किया सक्सेसफुली। और यहाँ पे चलिए क्रैशर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रैंडम कमेंट पिकर से एक विनर्स को पिकआउट करते हैं। स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक किए हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन विनर बनता है। और इस जगह फाइनली विनर बन चुके हैं क्रिश पटेल, और इनका कुछ कमेंट था आई थिंक गीगा R3 से अच्छा गीगा बोर्ड TH+ EXBO होना चाहिए क्योंकि R3 को TH15 के लिए बचाना चाहिए। क्या बात है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट था। वेल फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन यार कृष्णा पटेल, आप विनर बन चुके हो। और गाइज डोंट वरी यार, जो भी नहीं विन किए हो यार, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे इस बार, तो हम लोग आगे फ्यूचर में हर वीक में तो 102 गोल्ड पास की गिव अवे कर ही
नहीं देते हैं तो आगे आपके लिए और भी चांसेस बनेगा। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना बस। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा हुआ वीडियो, तो बी श्योर कि लाइक करो यार और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो तो, और फ्रेंड लोग के भी साथ शेयर करना। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।